हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं टीफन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे बैंक निफ्टी कहां पे एंट्री कर सकता है। तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी, मैंने 4 आवर चार्ट लिया तो बैंक निफ्टी देख सकता है कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो 4 आवर चार्ट है, ये 4 आवर चार्ट में आप देख सकते हैं ये एक रैली का बात, एक रिट्रेसमेंट आता है, रैली देने का बात एक रिट्रेसमेंट हायर पॉइंट बना के रैली देख सकते हैं। ये एक रिट्रेसमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी 26,500, तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो और एक बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से एक हायर पॉइंट बनाया, पहले जो हायर पॉइंट था तो एक हायर लो बना के ऊपर जाने का चांसेस ले रहा है। तो मुझे लगता है ये मार्केट अभी 27,700 के आसपास जाने का चांसेस है। ये जो पहले जो रेजिस्टेंस लाइन दिया हुआ है, तो प्रीवियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन था, तो ये अभी जाके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है ये 27,700 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 मिनट में एंट्री पॉइंट के लिए कहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें शायद कल हमें एक एंट्री पॉइंट मिला था, तो यहाँ पे हमें एक एंट्री पॉइंट मिला था कल, तो क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर मतलब यहाँ से 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया और मूविंग एवरेज जो 520 क्रॉस ओवर हुआ ईएमए, तो उसका बाद ये जो क्रॉस ओवर हुआ तो उसका बाद ये एक हायर पॉइंट बना है, तो उसका ऊपर हम बाय ले सकते हैं। तो बाद में आप देख सकते हैं फिर से मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया था, जो ये मैंने येलो लाइन दिया हुआ है येलो लाइन तक रिट्रेस किया और मूविंग एवरेज 50 का आसपास थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसका बाद मार्केट ऊपर जाने का ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट 27,000 आसपास तक जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।